बॉलीवुड के जाने माने एक्टरों में से एक है विद्युत जामवाल। हाँ, वो बात अलग है कि लोग इन्हें उतना सपोर्ट नहीं करते जितना दूसरे एक्टरों को करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहे एक्टर विद्युत जामवाल के बारे में। आपको बता दें कि विद्युत जामवाल ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत जोन अब्राहम की 2011 में आई फोर्स मूवी से की थी। हालांकि इस मूवी से विद्युत को कुछ ज्यादा खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर 2013 में आई कमांडो मूवी ने विद्युत की किस्मत चमका दी। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आज तक कमांडो मूवी के 3 सीरीज आ चुके हैं और तीनों ही सुपरहिट रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमांडो 4 भी बहुत जल्द आने वाली है। विद्युत जामवाल के एक्शन सीन लोगों को काफी पसंद आते हैं। जहां दूसरे बॉलीवुड एक्टर अपनी फिल्मों में एक्शन सीन के लिए बॉडी रोल का इस्तेमाल करते हैं, वही विद्युत जामवाल अपनी फिल्म में दिखाए गए सभी एक्शन सीन को खुद ही परफॉर्म करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि विद्युत जामवाल इंडियन सिनेमा के एकमात्र ऐसे एक्टर है जिनका नाम वर्ल्ड के टॉप 10 मार्शल आर्ट की लिस्ट में आता है। विद्युत जामवाल का जन्म वैसे तो कश्मीर में हुआ था, लेकिन फिर ये मार्शल आर्ट सीखने केरल के पलकड़ आश्रम में आ गए थे और फिर विद्युत ने पहाड़ों में बर्फ में और भी न जाने कहां ट्रेनिंग की थी। और आज के समय में विद्युत ने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली। हाल ही में विद्युत जामवाल की एक शानदार और दमदार एक्शन मूवी क्रैक रिलीज हुई है। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई। वैसे आप विद्युत जामवाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो।